डियर एसवाईजीएंस, स्किल यूथ गुरुकुल के इस एपिसोड में हम शिक्षा कौशल प्रशिक्षण एंड ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, जो कि एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, यहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति है राजस्थान की, उनकी जो बालिकाएं हैं, मतलब राजस्थान की जो एसटी कैटेगरी की बालिकाएं हैं या महिलाएं हैं या छात्राएं हैं, उनके प्रवेश के लिए हॉस्टल्स के अंदर ये वीडियो रहने वाला है। ये जो प्रवेश होगा हॉस्टल्स में, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और भी यहाँ पर आपको राजस्थान सरकार की तरफ से कुछ स्कीम्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी जो कि निःशुल्क रहने वाली है। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एक ऑनलाइन फॉर्म भर के इसमें अप्लाई कर सकती हैं। आप सभी एसवाईजीएंस का स्किल्ड यूथ गुरुकुल के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत है। डियर एसवाईजीएंस, आइए कंटेंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये नोटिफिकेशन जो है वो 15 दिसंबर 2023 को गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा, जो यहाँ का डेली न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर, उस पर पब्लिश हुआ था। और इसके अंदर आप अभी देख सकते हैं कि कार्यालय अतिरिक्त आयुक्त तृतीय जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग माड़ा जयपुर की तरफ से ये दिया गया है। इनकी ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है और साथ में जीमेल जो है उसका भी एड्रेस इसमें दिया गया है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इनके ऊपर भी संपर्क कर सकते हैं। यह लिखा हुआ है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा TAD शॉर्ट में जिसे बोलते हैं, संचालित शिक्षा कौशल प्रशिक्षण ट्रेनिंग सेंटर, ये एक जगह का नाम है, एक वेन्यू है, स्थान है जयपुर में। जो प्रवेश होंगे उसमें अनुसूचित जनजाति ST की जो छात्राएं हैं उनको ऑनलाइन आवेदन जो है वो प्रक्रिया बताई जाएगी और उसमें विभाग की वेबसाइट है, उसके ऊपर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब इसमें हम बात करेंगे कि लिंक कौन से रहने वाले हैं, क्या आपको प्रोसीजर अप्लाई करना होगा। तो बेसिकली ST कैटेगरी की राजस्थान की सभी बालिकाओं छात्राओं के लिए ये एडमिशन्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। आपको राजस्थान के किसी भी क्षेत्र से आप आती हैं, किसी भी जिले से आप आती हैं, इसमें अप्लाई कर सकती हैं। और में वहाँ आपको रहने के लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेस या जगह प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप राजस्थान में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। डेट्स इसकी जो है वो 15-12-2023 निर्धारित की गई है आवेदन करने के लिए, और अब जो है वो डेट बढ़ाकर 31-12-2023 कर दी गई है। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है और लास्ट डेट 31-12-2023 है। आइए वेबसाइट एक्सप्लोर करते हैं और इसमें कैसे फॉर्म भरना है आपको वो जान लेते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो इसमें जब हम पेज को स्क्रॉल करते हैं, वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राजस्थान के सभी जिलों की जो छात्राएं हैं वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, अप्लाई करना निशुल्क है, प्लस इसके अंदर जो एडमिशन्स होंगे वो निशुल्क रहेंगे। आपको बहुत सारी सुविधाएं राजस्थान सरकार की तरफ से दी जाएगी। अभी हम वेबसाइट पे आ चुके हैं, tad.rajasthan.gov.in। अगर आपको फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आती है तो आप अपने नज़दीकी ई मित्र या फिर जो CSC होते हैं, सुविधा केंद्र होते हैं, वहाँ से भी ये फॉर्म भर सकती हैं। नीचे जाएंगे, अप्लाई फॉर रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ फॉर RAS मेंस एग्जाम 2023 कोचिंग आ गया, पहला ऑप्शन ये है। अप्लाई फॉर रेसिडेंशियल फैसिलिटीज अंडर CM अनुप्रीति कोचिंग स्कीम फॉर नीट JEE स्टूडेंट्स, इसमें आ गया। डाउनलोड HSMS मोबाइल एप्लीकेशन, ये भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें से हम वन बाय वन जानेंगे कि इसमें एडमिशन का क्या प्रोसेस है। तो पहले हम जो है ये जो लिंक अभी हमें दिखाई दे रहा है, अप्लाई फॉर रेसिडेंशियल फैसिलिटीज फॉर RAS मेंस एग्जाम 2023 कोचिंग, इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद में हमारे सामने ये जो है स्क्रीन ओपन होती है। इस स्क्रीन में यहाँ मेंशन किया हुआ है अप्लाई फॉर रेसिडेंशियल फैसिलिटीज फॉर RAS मेंस एग्जाम 2023 कोचिंग। यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक हियर करना है। यहाँ पर आपका पुराना एडवर्टाइजमेंट ओपन होगा, लेकिन उसके बाद आपको हेल्प डॉक्यूमेंट जो है रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ का वो एक बार डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर पर करने के बाद हमारे सामने ये PDF आएगा, इसको डाउनलोड कर लेना है। और इसको डाउनलोड होने के बाद में ओपन कर लेना है। ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर इसकी जो गाइडलाइंस दी हुई है पेज नंबर 1 से 11, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीपर्पज गर्ल्स हॉस्टल रहने वाला है, जयपुर के अंदर है। अभी फिलहाल RAS मेंस एग्जाम 2023 में कोचिंग के लिए करवा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से साथ रखने हैं, जन आधार कार्ड रखना है, उसके बाद आपको जो TAD की वेबसाइट उस पर क्लिक करना है, लिंक यहाँ बताया गया है आपको, फिर एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइन और क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपका जो SSO पोर्टल है उसके ऊपर जो आपकी ID है उसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने
यहाँ क्लिक हियर अप्लाई फॉर इंडिविजुअल बेनिफिशरीज स्कीम मॉड्यूल जो है उसके ऊपर जाना है, जो कि आपको वहाँ एप्लीकेशन दिखाई देगी उस पर क्लिक करना है। वहाँ पर आपको अप्लाई फॉर इंडिविजुअल बेनिफिशरीज स्कीम पर क्लिक करना है, ये चित्र बना हुआ देख सकते हैं आप। उसके बाद आपके सामने ये वहाँ ओपन होगा अप्लाई हियर फॉर आर एस मेन्स कोचिंग। इसके अंदर आपको जो है ये नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे नीचे अप्लाई करने के लिए कहा गया है, यहाँ पर आपको स्क्वायर में टिक करके प्रोसीड कर देना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद में आपको जो है फॉर्म भरना है, उसके अंदर आपको आपका जनाधार नंबर और उसके बाद आपका आधार नंबर जो है वो डाल फीड करना है, फिल करना है। ध्यान रखिएगा जहाँ जहाँ रेड स्टार है वो मैंडेटरी है। उसके बाद में कंप्लीट फॉर्म भरने के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस पर क्लिक करके आपको सेव एंड स्टेटस करना है और इस तरीके से आपका फॉर्म जो है वो भर जाएगा। आइए